वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसका फॉर्मूला, उसे क्यों कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर उसका कैसा रहता है, या फिर उसको हम कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब हम इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे अच्छे से। तो बने रहिए हमारे साथ, जरूर पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से नॉलेज गेन कर पाए इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला आता है कि भाई इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा क्यों जाता है। जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट जैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से जम जाता है, और ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम में भी ये क्वालिटी होती, काफी हार्ड सब्सटेंस है, जिप्सम से ही इसे बनाया जाता है, और हार्डन करने के बाद ये जिप्सम में ही चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये जिप्सम जो मिल रहा था स्टार्टिंग में हमें मिला था, वो कहाँ से मिला था, पेरिस के काफी पास से मिला था, नियर बाई पॉइंट से मिला था, इसलिए हम इसका नाम रखा गया, कॉमन नेम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर पर्पज से काम आता था और पेरिस के पास मिला था, इसलिए इसका कॉमन नेम आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत मजेदार नाम है ना। अब देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा दिखाई देता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस है। केमिकल नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं कॉमनली, इसलिए यदि मैं एक मोल के लिए कहूँ तो आधा मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पर इसके साथ बैलेंस होता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका है CaSO4 एंड हाफ H2O। हाफ H2O आपको समझ आ गया होगा कि कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल, दो मोल्स एक मॉलिक्यूल वाटर को होल्ड करते हैं, वन मोल के बराबर बैलेंस उसका आता है। और ये बहुत अच्छी सेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, सीमेंट की तरह सेट हो जाता है, जिस डिजाइन में आप डालोगे उस डिजाइन में चेंज हो जाता है, और रफनेस नहीं आती, क्रैक्स नहीं आते हैं जमने के बाद, इसलिए इसको बहुत अच्छे मटेरियल की तरह वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है सेटिंग पार्ट की वजह से। अब इस दूसरा क्वेश्चन आता है, इसे बनाते कैसे है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का मेथड है कि भाई जिप्सम से इसे 120 डिग्री सेल्सियस या फिर यू कैन से 393 केल्विन टेम्परेचर तक हम इसे हीट करते हैं, देन वी विल गेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये है हमारा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हैविंग द टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज जिप्सम। और इसे जब हम हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें से लगभग 3.5 मॉलिक्यूल है, 1.5 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो निकल जाते हैं इतने टेम्परेचर पर। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसा होता है, किस काम आता है, ये एप्लीकेशंस क्या है इसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कहाँ कहाँ काम आता है ये, जो इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है ये कंपाउंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम ही हमने इसलिए प्लास्टर के नाम से रखा है इसका। डॉक्टर्स जो है इसे फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही पोजीशन देने के लिए, जो हम हाथ पर पैर पर जहां भी प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजिशन देने के लिए इसको यूज किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज है कि हम इससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, आप देखते होंगे दिवाली के आसपास या गणपति पूजा होती है तो गणेश चतुर्थी आती है उसके आसपास आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां वगैरह आती है, स्टैचूज आ जाते हैं, बच्चों के खिलौने मिलते हैं, डेकोरेटिव पार्ट्स मिलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा POP का बना हुआ है, ये कॉमन एरिया में इतना बड़ा पीस बना रखा है डेकोरेशन का, तो बहुत अमेजिंग चीजें बना पाता है ये। सेटिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि इसे हमें किसी भी डिजाइन में हम इसे मोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो मोल्डिंग के डेकोरेटिव पीसेस के काम आता है ये बनाने के। इसके साथ साथ ये सरफेसेस को बहुत स्मूथनेस देने के काम भी आता है, जैसे हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो हम पहले उसकी फिलिंग कराते हैं,
पीओपी कराते हैं, डिजाइनिंग कराते हैं रूफ की, जैसे आप देख रहे हो डिजाइनिंग हो रही है रूफ की, या फिर बिफोर व्हाइट वॉशिंग पेंट करने से पहले जो है मिस्त्री वगैरह वो क्या करते हैं उसको अच्छे से फिल करते हैं, उसके होल्स वगैरह सबको फिल करते हैं, डिजाइन को जितने भी होल्स होते हैं दीवार में सबको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पीओपी काम आता है इसको, प्लेन सरफेस को स्मूथनेस देने के लिए वॉल को, ठीक है। एंड बहुत अच्छा एक और इम्पोर्टेंट यूज है कि डेंटिस्ट जो है वो इसकी शेप्स मतलब मॉडल्स बनाने के भी, डेंटिस्ट जो है वो मोल्ड्स बनाने के भी काम लाते हैं, टीथ वगैरह के जो मॉडल्स बनते हैं वो सब भी डेंटिस्ट जो है इसको यूज करते हैं, उसको मोल्ड्स बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए टीथ के अलग अलग टाइप के। तो देखा कितनी सारी अमेजिंग यूजेस है इसके, पीओपी के वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में फैला हुआ है ये, अच्छे से डिजाइन वगैरह करने में, प्लास्टर के काम में, डॉक्टर्स के तो बहुत मतलब कम सब्सटेंस है ही। तो ये एक और नई वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, नए कंपाउंड के साथ फिर आपको दिखाई देंगे कल, और तब तक रिवाइज करिए अच्छे से, याद करिए। और ये रिवीजन मैराथन अनअकैडमी पर चल रही है, 5 दिन की स्पेशल क्लासेस आपके लिए चल रही हैं रिवीजन की, जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का रिवीजन करा रही हूँ ऐसे ही वहां पर आपके लिए मैथ्स और साइंस का रिवीजन पार्ट चल रहा है, 9 to 12, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलता रहेगा ये 5 दिन का। ये 12th क्लास का टाइम टेबल है, स्केड्यूल है इनका, ये 9th और 10th आपकी क्लास का, 10th का स्केड्यूल है ये, और फिर ये है 11th साइंस का स्केड्यूल फॉर द रिवीजन पार्ट। तो जो भी आपके नेबर में या आपके जान पहचान में कोई रिलेटिव में हो या फ्रेंड्स हो स्कूल में, जो भी आप जिसको बता सके जरूर शेयर करिए, रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, एनुअल एग्जाम आने वाले हैं तो प्रिपेयर करिए जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट, और हमारे साथ और अनअकैडमी के साथ रिवीजन करते रहिए। तो नए हैं इस चैनल पर उनको बता दूं कैसे करना है इसे, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, गोल सेलेक्ट करना, लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से ज्वाइन करना है एंड गोल सेलेक्ट करना है, एंड देन इनवाइट को, यदि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी पर तो वहाँ लॉक्ड होगा सर, आपको अनलॉक करना पड़ेगा डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डाल के, एंड देन आप कभी भी कोई भी क्लास वहां पर कोई भी रिवीजन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और टॉपिक के साथ, एक और अच्छे कंपाउंड के बारे में जानेंगे डिटेल में। टिल देन बाय एवरीवन।